तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, तो आज एक फ्लोहान के ऊपर एक टॉपिक बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे रिसेंटली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम क्या करें, तो मैं सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ पर्टिकुलर। क्योंकि जब आप स्टोर में जाते हैं, देखिए अब जाकर एक फ्लोहान ख़रीदते हैं, तो फ्लोहान वहाँ पर एकदम डार्क कलर लगती है, एकदम एक्टिव लगती है और उसका कलर भी बहुत डार्क रहता है। लेकिन जब आप उसको लेके आके एक्वेरियम में अपने रखते हैं, ये क्या 2 महीने के बाद ऐसा देखने के लिए सीन मिलता है कि आपका फ्लोहान जो है ब्लैक कलर होने लगता है। ब्लॉक डॉट्स नहीं है बल्कि ब्लॉक कलर का टर्निंग टू ब्लॉक कलर होना शुरू हो जाता है। और आप अच्छा फूड भी फीड कर रहे हो, टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहे हो, पानी भी क्लीन करते हो, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, वो सवाल है। और उसका क्वेश्चन और उसका आंसर भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात होता है पानी का मेंटेनेंस, पानी का पीएच लेवल जिसे कह सकते हैं, पानी का अमोनिया भी कह सकते हैं। जो ब्रीडर लोग होते हैं या एक्वेरियम स्टोर वाले होते हैं, वो जो फ्लोहान लाके रखते हैं तो वो पूरा ध्यान रखते हैं कि पानी का पीएच लेवल सही हो और पानी के अंदर अमोनिया ज़्यादा ना हो। अब देखा होगा कि जब आप जाकर देखते हैं जहाँ पर फ्लोहान खरीदे, उनका पानी एकदम पूरा क्लीन और क्लियर रहता है, नीचे कुछ भी गंदगी नहीं रहती है, कुछ भी नीचे ग्रेवल नहीं रहता है। लेकिन हम ला कर रखते हैं तो हमारी फ्लोहान ब्लैक हो जाती है, टर्निंग टू ब्लैक शुरू हो जाती है। जैसा लोग काले लोग होते हैं उस तरह कलर चेंज होता रहता है। उसका रीज़न यही है, देखिए 2 रीज़न है, एक है अमोनिया और दूसरा है पीएच। पीएच लेवल जो इसके लिए है 7.4 to 8.2 तक भी, 8.0 लगा लो, 8.0 तक ये चल जाएगा। और पीएच क्या होता है, पीएच होता है फुल फॉर्म में पोटाशियम हाइड्रेट होता है, मतलब पानी के अंदर जो पोटाशियम होता है उसकी मात्रा। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो पानी के अंदर जो पोटाशियम ज़्यादा होता है पीएच लेवल, जिसकी वजह से फिशेस की बॉडी ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। और दूसरा क्या रीज़न क्या है, अमोनिया। अमोनिया भी अगर पानी के अंदर ज़्यादा होता है तब भी उसकी बॉडी जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, फिशेस इनएक्टिव होने लगती है, ये टर्निंग बाद में जाकर उसके अंदर वार्म्स हो जाते हैं, जिसे हम डीवार्मिंग कहते हैं। तो ज़रूरी है कि पहले ही इसको जानकर हम चीज़ का ध्यान रखें ताकि वहाँ तक फिश की हालत जा ना सके। तो उसके लिए करना क्या है, अमोनिया कहाँ से बनता है, अमोनिया बनता है उसकी पोटी से। जैसे फिशेस की पोटी होती है नीचे पड़ी रहती है, या ज़्यादा खाना डाल देते हैं हम लोग, खाना ज़्यादा जाकर नीचे पड़ जाता है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फिल्ट्रेशन जब भी फिशेस पोटी करें उसको ऑब्जर्व कर ले, क्लीन कर ले। अगर क्लीन नहीं हो रहा तो आपको मैन्युअली उसको क्लीन करना पड़ेगा सैफन पाइप की मदद से, सैफन पाइप डालकर निकालो वो क्लीन हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिल्टर अच्छा रखो। और पीएच लेवल लो करने के लिए क्या करना है, 2 रास्ते हैं। सबसे पहले आप पीएच टेस्टर मीटर मिलता है वो ले लो, अगर आप नहीं खरीद सकते कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको ज़रूरी नहीं। लेकिन करना क्या है, जब इस तरह की सिचुएशन आपको नज़र आए कि आपकी फ़िशेज ब्लैक हो रही है, काली कलर टर्निंग टू ब्लैक हो रही है, तो आपको करना क्या है, डेली 30% पानी चेंज करते रहना है। एटलीस्ट चलो एक हफ्ते तक इस तरह करो, 30% पानी, जो भी टैंक का पानी है 30%, मतलब यहाँ से इतना जाएगा 30% पानी चेंज निकाल दो, नया पानी डालो। नया पानी कैसे डालना है, पहले ही एक दिन एटलीस्ट स्टोर करना है नए पानी को, उसके अंदर एंटी क्लोरीन या वाटर कंडीशन डाल के अलग टब में रखना है या बकेट में रखना है, उसके दूसरे दिन इसमें ऐड करना है। ऐसा क्या करना है, 1 हफ्ते तक 30% पानी चेंज करो। इससे क्या होगा, पीएच लेवल थोड़ा डाउन होगा, या हो सकता है अगर आपके पास ड्रिप फ्रूट है, ड्रिप फ्रूट डाल दो थोड़ा, उससे भी पीएच लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। ये डाउन होने से क्या होगा, फिशेस थोड़ा कलर जो है उसका और ग्रो करेगी और जो ब्लैक कलर है वो ख़त्म होता रहेगा। ब्लैक स्पॉट अलग है, ब्लैक कलर टर्न होना वो अलग है, मैं ब्लैक टर्न होने को कह रहा हूँ, ब्लैक स्पॉट के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अमोनिया कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, कम फिट करो तो इतना फिट करो कि वो खाकर ख़त्म कर दे। अनइटन फूड, जो फूड वहाँ पर बचा हुआ है, 10 मिनट हो चुका है फिश को डालने के बाद फिर भी खाना बचा हुआ है, उसको निकाल दो। और ओवर फीडिंग मत करो, ओवर फीडिंग करने से क्या होता है, पेट फूल जाता है और ज़्यादा पोटी करती है, वो पोटी का जो गंदगी नीचे जाकर खड़ा होता है उससे अमोनिया बनना शुरू होता है। तो हर 2-3 दिन में एक बार क्या करना है, आपको सैफान पाइप से जो गंदगी फंसी हुई रहती नीचे उसको निकालते रहना है हर 2-3 दिन में। अगर आपके पास फिल्टर सिस्टम अच्छा है कि पोटी नहीं जम रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास फिल्टर सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो पोटी उसको गंदगी को निकाल सके, वही बड़ी रहती है, देखने से लग रहा है कि पोटी नीचे पड़ी है, तो उसको निकालो मैन्युअली 2-3 दिन में एक बार निकालो, निकाल कर फिर नया पानी डालो, उसको फेंक दो। फिर कम फिट करो, क्वालिटी फूड फिट करो, और साथ में टेम्परेचर का मेंटेनेंस। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब टेम्परेचर लो होता है तब भी फिशेस ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर 26 या 28 आइडियल टेम्परेचर है, सही टेम्परेचर 28 है, 28 टेम्परेचर रखो। इन 3 चीज़ों का ख्याल रखो, पीएच लेवल मेंटेन करो, पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए टेस्ट करो या डेली 30% पानी चेंज करो जब तक कि ये सही ना हो जाए। और दूसरा जो अमोनिया लेवल लो करो, अमोनिया लेवल लो करने के लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा इस्तेमाल करो, और साथ में
जो पोटी गंदगी है उसको निकालते रहो, अनईटन फूड निकाल दो और कम फीड करो। और थर्ड जो है टेम्परेचर, ये तीन चीज़ों का ध्यान रखो, आपकी फ़िशेस ब्लैक नहीं होगी, हमेशा वही कलर रहेगी जो आपके स्टोर में लेके आए थे। बस आज का टॉपिक यही था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ताकि आप लोगों को मालूम हो सके फ़िशेस का कलर ब्लैक क्यों हो रहा है, तो इसको देखकर आप मालूम कर सकते हो, उसको फिर दोबारा रिवर्स ला सकते हो आपकी फ़िशेस जैसी पहले थी उसको, और जाने ना पाए उस स्टेज में जा ना पाए उससे पहले इन तीन चीज़ों का ध्यान करो ताकि आपकी फ़िशेस ब्लैक होने ना जाए। तो बस आज का टॉपिक यही है, अगर टॉपिक पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मेरे चैनल को, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आते रहेंगे। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा।